क्या आपके साथ ऐसा कभी होता तो आपकी फैमिली उसके साथ रहती स्कूल के, या आपकी दोस्त के साथ, या आपकी सिस्टर छोटी होगी उस वो पढ़ेगी आगे, अगर उसके साथ ऐसा हो तो आप क्या स्कूल के साथ रहेंगी? क्या बात कर रही, रो रही हूँ क्या? कोई भी होगा सर, वो भी तो हम लोग की फ्रेंड ही थी ना। अचानक से बहुत ज़्यादा भगदड़ा वाली आवाज़ आने लगी कि चिल्ला रहे थे लोग। फिर आठवीं में बताएं सर कि हाँ एक लड़की कूदी है जो कि सनबीम से ट्रांसफ़र होके आई है और उसका नाम शायद श्रेया तिवारी है। और हम लोग मतलब थोड़ी सी खिड़की खुली थी तो हम लोग देखें कि स्कूटी पे उसको ले जाया, एक लड़की को ले जाया जा रहा था स्कूटी पे। हाँ, उसका पूरा ब्लड वर्ड लगा था पूरे ड्रेस पे, एंड वो मतलब एकदम अपने आप को मतलब लूज हो गई थी जब वो कूदी। तो कहा गया कि इन्हीं दो बिल में उसे प्रिंसिपल ऑफिस में काफ़ी टॉर्चर किया गया। हाँ, मुझे जहाँ तक कि पता है कि मैम कुछ ना कुछ बोली होंगी ऐसा। वो व्रत वाला फास्ट वाला फूड भी लाई थी खा पी के, फिर वो लंच में गई खेलने, खेल के आई वापस। अगर वो दौड़ के गई होगी तो क्या मैम को दिख नहीं रहा था? वो बहुत पॉजिटिव रहने वाली लड़की ऐसा क्यों करेगी? मेरे से अकाउंट्स की नमस्कार, बदले का भारत देख रहे हैं आप। इस वक्त आजमगढ़ के कुंवर सिंह उद्यान में मौजूद हैं और आजमगढ़ ज़िले में पिछले कई दिनों से श्रेया तिवारी की जो मौत हुई थी तीसरी मंजिल से छलांग लगाने के कारण स्कूल की बिल्डिंग से, उस मामले ने पूरी तरह से तूल पकड़ लिया है। कल सभी स्कूलों ने, उत्तर प्रदेश के CBSE और ICSE या तमाम जो इस तरह के स्कूल हैं, जो उनके संगठन हैं, उन्होंने कल एक शक्ति प्रदर्शन के तौर पर विद्यालयों को बंद रखने का निर्णय लिया है। आज बहुत सारे स्कूलों से जब बच्चे घर को पहुंचे तो उनके गार्जियंस को पता चला कि कल स्कूल बंद रहेगा। इसके बाद आपको बता दूं कि देखिए, एक तरफ मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे बैठक चल रही है श्रेया तिवारी के पक्ष में, जो अब इस दुनिया में नहीं है, उसके पक्ष में, कि अगर स्कूल प्रबंधन इस तरह से प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहा है, तो यहाँ पे भी लोग बैठ के मंथन कर रहे हैं कि अब आगे क्या होगा। इसी पार्क में हमारी मुलाकात एक बच्ची से हुई है जो ये दावा कर रही है कि हम उसी चिल्ड्रेन गर्ल्स स्कूल में पढ़ते हैं और जहाँ श्रेया तिवारी पढ़ती थी, और ये बहुत कुछ बता रही थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इससे बात करके इसकी बात को आप तक पहुंचाने की कोशिश करूं, और मुझे ये कतई पता नहीं है और ना ही मैं इस बच्ची की पहचान उजागर करने की कोशिश करूंगा कि ये बच्ची किस क्लास में है, इसका नाम क्या है और क्या इसने वहां पे देखा है, बस हम इसी पे बात करेंगे। तो श्रेया तिवारी को जानती हूँ जी अच्छे तरीके से। क्या हुआ था उस दिन? वो एकदम नॉर्मली जैसे सारे स्टूडेंट्स आए थे वैसे ही आती थी, आई थी उस दिन। और उस दिन हम लोग का प्रैक्टिकल था तो हम लोगों ने प्रैक्टिकल आराम से हम लोगों ने अपना दिया था मंडे के दिन, जिस दिन चेकिंग के बाद की बात बता रही हूँ मैं, मंडे को, सोमवार को। तो चेकिंग मंडे में, फिर उसके बाद वहाँ पे थर्ड बेल, सारी बेल्स बीत गई। फिर उसके बाद लंच में वो, बल्कि लंच अच्छे से आराम से की, अपना व्रत भी थी वो, व्रत वाला चीज़ लाई थी खा के ओके। फिर उसके बाद उन लोग का, हाँ, फिर उसके बाद वो लोग लंच में एक्चुअली खेलने जाते हैं, तो वो लोग नीचे ग्राउंड में गए खेल के अपना रूटीन के हिसाब से अपने फ्रेंड ग्रुप से, फिर वापस आ गए। और फिफ्थ पीरियड आई तो फिर उसके बाद सर प्रैक्टिकल चल रहा था तो दूसरी की बेल लेके सर भी प्रैक्टिकल ले लिए थे अपना। फिर उसके बाद उसको एक दाई आंटी ने बुलाया, बोला श्रेया तिवारी है इस क्लास में, उसको प्रिंसिपल मैम ने बुलाया है। तो वो प्रिंसिपल मैम के ऑफिस में गई, फिर उसके बाद से आई नहीं दो बेल तक। अचानक से सेवन्थ बेल था, माइक्रो सर पढ़ा रहे थे हम लोग के, अचानक से बहुत ज़्यादा भगदड़ा वाली आवाज़ आने लगी कि चिल्ला रहे थे लोग। तो हम लोग को लगा कि कोई बंदर वंदर आ गया होगा, किसी क्लास वास में चला गया होगा, और हम लोग को ये भी नहीं पता था कि श्रेया कूदी है। हम लोग को लगा कि बंदर के डर से श्रेया नहीं, कोई भी लड़की कूद गई है, और हम लोग को ये भी नहीं बताया गया था कि कोई लड़की कूदी भी है कि नहीं कूदी है। फिर उसके बाद तो कह रही हूँ ना कि हमें लगा ये कि बंदर के डर से कोई लड़की कूद गई है। हाँ। फिर कह रही हूँ कि हमें बताया नहीं गया। नहीं, हम लोग को ये नहीं बताया गया कि क्या हुआ है, हाँ, कि कुछ हुआ है जो कि बंदर से रिलेटेड है, बस हम लोग को इतना ही पता था। फिर आठवीं वेल में बताएं सर कि हाँ एक लड़की कूदी है जो कि सनबीम से ट्रांसफ़र होके आई है और उसका नाम शायद श्रेया तिवारी है। तो हम लोग थोड़ा सा डाउट में आ गए, नहीं कुछ भी नहीं बताया। हम लोग थोड़ा डाउट में आ गए कि अगर ऐसा हो सकता है, मतलब वो तो प्रिंसिपल ऑफिस नीचे है तो वो अपना थर्ड फ्लोर पे क्या करने जाएगी,
तो हम लोग को विश्वास नहीं था कि वो ऐसा कुछ कर सकती है, क्योंकि वो बहुत पॉजिटिव रहने वाली लड़की ऐसा क्यों करेगी। मेरे से अकाउंट्स के नोट्स मांगने वाली लड़की जो नोट्स अपना कंप्लीट कर रही थी, बल्कि मुझको बताया भी कि चैप्टर का नेम तुमने गलत लिख दिया है, NCERT के हिसाब से ये है, तुम ये लिख दो, और मैंने अच्छे से करेक्ट भी किया था उसके हिसाब से। फिर उसके बाद से अचानक से फिर पता चला कि वो वही कूदी है, और हम लोग मतलब थोड़ी सी खिड़की खुली थी तो हम लोग देखें कि स्कूटी पे उसको ले जाया, एक लड़की को ले जाया जा रहा था स्कूटी पे। हाँ, उसका पूरा ब्लड वर्ड लगा था पूरे ड्रेस पे, एंड वो मतलब एकदम अपने आप को मतलब लूज हो गई थी, अपने आप को संभाल भी नहीं पा रही थी ऐसे। फिर उसके बाद से वो चली गई। फिर उसके बाद अचानक से उसके पेरेंट्स आए, तो उसकी मम्मी और उसके शायद डैड थे, चिल्ला के बोलने लगे, भैया ये देखो हम लोग के बेटी को ये लोग मार चुके हैं, यही लोग मारे हैं, अब हम लोग उसे छुपा रहे हैं। और फिर उसके बाद से दो आप बता पाएंगी कि क्लासरूम में उस दिन क्या हुआ था, या उसके दो दिन एक दिन पहले क्या हुआ था? शुक्रवार का दिन था, तो हम लोग नॉर्मली स्कूल आए थे, और मैं उस दिन एक्साइटेड थी क्योंकि मुझे गांव जाना था मम्मी से मिलने, मैं दूर रहती हूँ थोड़ा। तो थर्ड बेल में हम लोग की चेकिंग हुई, थर्ड बेल में चेकिंग हुई पूरा, मतलब सॉक्स वॉक्स निकाल के, शूज वूज निकाल के अच्छे से चेकिंग हुई थी कि कोई स्विच लाया नहीं आया, और वॉच वॉच लाई थी। हमेशा चेक होता है? हाँ, जब से मैं आई, क्योंकि मैं न्यू हूँ तो जब से मैं आई थी ये पहली बार था। अच्छा। तो शूज़ वूज देख भी देखा गया, और जो स्मार्ट वॉच लाए थे उन लोगों को भी बुलाया गया, जो कुछ एक लड़की क्रीम वगैरह भी लाई थी तो उसको भी बुलाया गया था। और श्रेया का हम लोग को विश्वास नहीं था ऐसा कुछ, तो हम लोग को लगा कि उसके पास ढेर सारे चॉकलेट्स थे इसलिए उसको बुलाया गया था, क्योंकि 4 या 5 से ज़्यादा चॉकलेट अभी अलाउ नहीं है। फिर उसके बाद से थर्ड बेल हो गया, फिर उसके बुलाया गया, फिर उसके बाद आई नहीं वो 2-3 बेल तक। फिर उसके बाद जब वो आई, मैम आई 2-3, वो पूछी, एक बॉक्स था रेड कलर का, उसके अंदर कहीं की स्किन टाइप में कुछ था, तो वो बोली कि मेरे एक सर थे, तो वो बोले कि कुछ बच्चे ना आज अनहाइजेनिक होते हैं तो अपने पैर का चमड़ा वमड़ा निकाल के रख दिए होंगे ऐसा कुछ, या चिप्स का सूखा हुआ चिप्स टाइप में रख दिए होंगे। तो बोले कि कितनी अनहाइजेनिक होती हैं गर्ल्स, तो हम लोग इग्नोर किया क्योंकि हम लोग तो ऐसा कुछ किए नहीं थे। और वो मैम बोली कि सच सच बता दो कौन लिया है, क्योंकि इसमें पैसा भी है ढेर सारा, और शायद पैसे की बात इसलिए कही क्योंकि अगर किसी का होगा तो बोल देगा, और सामान भी था, और क्या कहते हैं ये भी बोली कि कीपैड फ़ोन या स्किन टच फ़ोन का नहीं पता था, बस फ़ोन है इतना पता था। प्रोडक्शन की भी कोई बात हुई थी? हाँ, प्रोडक्शन की बात मुझे तो नहीं पता थी कुछ खास, क्योंकि मैं अपने में मगन थी क्योंकि मुझको घर जाना था। लेकिन बार बार ये बात कही जा रही है कि जैसे श्रेया की मम्मी से जब हमने बात किया तो उन्होंने आरोप लगाया कि उसको क्लास दर क्लास घुमाया गया, उसके अनवांटेड चीज़ें उसके बैग में पाई गई है। हम लोग के क्लास में तो उसको बताया गया कि हाँ ये बॉक्स उसमें से निकला गया है, बाकी क्लास में घुमाया गया या नहीं घुमाया गया इस बात का मुझे कुछ खास पता नहीं है, कन्फर्म नहीं हूँ मैं। लेकिन अगर ठीक है नहीं घुमाया गया तो अपने ही क्लास में बोला गया है ना, तो उसकी कितनी रेपुटेशन गई, बाकी सारे क्लास आके मुझसे पूछ रहे हैं कि कुछ हुआ है तुम्हारी क्लास में, कुछ हुआ है तुम्हारी, क्या कोई कुछ लाया था, क्योंकि मुझे कुछ नहीं पता है, मुझे पता ही नहीं है तो मैं क्या बताऊँगी। तो फिर उसके बाद से फिर जब छुट्टी हुई तो सब लोग बोले अरे नॉर्मल है, ये सब यहाँ पे होता रहता है, मंडे तक सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर मंडे को क्या हुआ? मंडे को एकदम नॉर्मली वो व्रत थी, तो वो व्रत वाला फास्ट वाला फूड भी लाई थी खा पी के, फिर वो लंच में गई खेलने, खेल के आई वापस, और फिर बेल में वो गई, मैम बुलाई तो थोड़ा सा आई थिंक थोड़ा सा नर्वस मुझे वो दिखी थी जब वो गई, जब उसे कॉल किया गया। हाँ, जब वो कॉल किया गया उसे, तो उस दिन एक्चुअली एक लड़की की तबीयत खराब थी तो मैं उसका एप्लीकेशन वगैरह लिख रही थी, तो उसमें भी फिर उसके बाद फिर क्या हुआ जब उसे बुलाया गया? फिर क्या हुआ? फिर 2 बजे तक वो वापस ही नहीं आई। कहाँ रही 2 बजे तक? 2 बजे तक प्रिंसिपल ऑफिस बोली थी, प्रिंसिपल ऑफिस में। अच्छा। जब वो कूदी तो ये कहा गया कि इन्हीं 2 बजे में उसे प्रिंसिपल ऑफिस में काफ़ी टॉर्चर किया गया। हाँ, मुझे यहाँ तक कि पता है कि मैम कुछ ना कुछ बोली होंगी ऐसा जिसके वजह से, या मम्मी पापा के डर से या किसी भी डर से उसने ये जो भी कदम उठाया। तो जब ये बोला जाता है, जब हम लोग क्लास में नॉर्मली रहते हैं किसी की तबीयत ख़राब होती है तो कुछ लोग हेड डाउन करके सो जाते हैं, तो वो बल्कि बोलती भी है हेड डाउन मत करो मैम कैमरा में देखेंगे तुरंत बुलाएंगे तुम लोगों को, तो उनको मैम अगर हेड डाउन करने से मैम अगर कॉल कर लेती हैं कैमरा देख करके, तो जब एक लड़की नीचे 3री मंजिल तक जाती है तो वहाँ पर मैम ने नहीं देखा? हाँ, वही
मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर वो दौड़ के गई होगी तो क्या मैम को दिख नहीं रहा था या मैम का कहीं और ध्यान था? ये तो वही जानेंगी और श्रेया जानेगी कि वो तो राज ही रह जाएगा। अच्छा, क्या पता इस बात को कितना मतलब सच मानती हो या इससे कितना इत्तेफाक रखती हो कि जैसा कहा गया कि अगर उसे टॉर्चर नहीं किया गया होता तो आज श्रेया जिंदा रहती, और अगर बहुत गलत थे श्रेया, तमाम आरोप अगर जिस तरह के लग रहे थे अगर वो सारे सत्य थे तो उसके गार्जियन को बुला के उनकी बिटिया को सौंप देना चाहिए था, इस पर तुम्हारा क्या कहना है? मुझे कहना है कि अगर उसकी गलती भी थी, ठीक है वो गलती थी, ठीक है कोई मान लेते हैं कि उसकी ही गलती ही थी, तो उन्हें एक बार क्या करना चाहिए था, पहले पेरेंट्स को बुला लेते हैं, बोल देते कि आपके बेटी बड़ी बदतमीज़ है, ले जाइए उसको, हम नहीं पढ़ा पाएंगे इस स्कूल में, नेम कार्ड देना चाहिए था। लेकिन ये टॉर्चर करने वाला सिस्टम, अगर कोई भी बड़ा रहता है, अगर उसको हम लोग किसी के सामने बोल भी देते हैं तो बोल देते हैं ना कि हाँ जवाब दे रहे हैं हम लोग का, हम लोग टॉर्चर किया गया। हाँ मैं मानती हूँ, क्योंकि वो ऐसे किया गया है ना, हम लोग के क्लास में अगर जब दिखाया गया तो हम लोग के क्लास ही में कुछ स्टूडेंट बात करेंगे ही कि इसका यही है रोल, वो कुछ ना कुछ ऐसे ही की होगी तभी हो रहा है। तो उसकी जो रेपुटेशन है वो फिर वापस आई जब लंच अच्छा, के बाद चीज़ और कही जा रही है कि श्रेया की पिटाई भी हुई थी, कुछ नहीं पता है इस बारे में? नहीं, इसके बारे में मुझको नहीं पता है कुछ। नहीं पता है। नहीं, पिटाई तो, बेटा तुम्हारे ही स्कूल की लड़कियां, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था स्कूल की तरफ से, तो उसमें कह रही थी, तमाम चीज़ें कह रही थी कि मतलब इस तरह का ठीक नहीं है, हमारे प्रिंसिपल मैम और हमारे क्लास टीचर की कोई गलती नहीं है, उनको वापस लाया जाए, और कहीं ना कहीं गलती नहीं है तो सारी गलती श्रेया की थी, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, उनका ये कहना था। इससे कितना इत्तेफाक है? मेरे ख्याल से ये बताइए, जो लोग बोले हैं वो तो ठीक है, बोल चुकी हैं, बोल के अपना हट गई हैं, लेकिन मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, क्या आपकी बहन नहीं है? क्या आपके साथ ऐसा कभी होता तो आपकी फैमिली उसके साथ रहती स्कूल के, या आपकी दोस्त के साथ, या आपकी सिस्टर छोटी होगी उस वो पढ़ेगी आगे, अगर उसके साथ ऐसा हो तो आप क्या स्कूल के साथ रहेंगी? क्या आप कहेंगे हाँ स्कूल बहुत अच्छा है, हाँ डांट के सही किए हैं वो लोग? क्या वो कहेंगी कि टॉर्चर करना सही था? बस इतना ही, क्या ही बोलूँ मैं। क्या भावुक हो रही, रो रही हूँ क्या? कोई भी होगा सर, वो भी तो हम लोग की फ्रेंड ही थी ना। तुम्हारी फ्रेंड थी? हाँ सर। तुमसे कुछ नहीं बताया कि मेरे साथ क्या हो रहा है? नहीं सर, ऐसा कुछ था ही नहीं तो वो मुझको बताएगी, अगर वो कुछ ऐसा होता तो अपने बेस्ट फ्रेंड को कम से कम बताती कि हाँ भाई ये बात है, हम लोग को मैं इस मैटर में हूँ, या कुछ ऐसा हुआ है मैं क्या करूँ, कोई सजेशन तो मांगती वो। बल्कि एकदम नॉर्मल थी, मैंने तो सुना उसकी मम्मी इंटरव्यू दे रही थी कि वो एनिमे वगैरह भी बनाती है, कुछ बनाई भी थी नॉर्मली, जैसे बनाते हैं फ्राइडे को भी। चलो, एक मेरा आखिरी सवाल है, इस सवाल को मैं कुछ बड़े लोगों से भी पूछूंगा। आज स्कूल में बहुत सारे स्कूल से बच्चे आए, मेरे भी बच्चे आए, तो उन्हें बोला गया कि कल छुट्टी है, कल स्कूल नहीं आना है, शक्ति प्रदर्शन के तौर पे उत्तर प्रदेश के बहुत सारे स्कूलों को बोला गया जो प्राइवेट सेक्टर के हैं कि ये बंद रहेंगे, इसे कितना सही मानते हैं? मैं इस बारे में क्या ही बोलूँ, अगर आप स्कूल बंद कर रहे हैं ठीक है, वो आपकी वो है, आप कैसे सारे के सारे एक हो गए हैं, अब वही संगठित होके ऐसा करेंगे तो उनके भी तो बेटी होगी, अगर उनके साथ ऐसा होता तो भी आप यही करते? मुझे तो नहीं लगता है, मुझे तो लगता है कि अगर उनकी बेटी के साथ ऐसा कुछ होता तो एक बार इज्जत के बारे में अपने सोचते हैं, क्योंकि अपने बेटी को समझा दे कि बेटा तुम ये सब क्यों किए हो, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये सब गलत काम है, क्यों प्यार से नहीं समझाया जा सकता है? ज़रूरी है कि आप लोग एकदम बेइज्जती करके ही समझाए तभी माना जाए? बल्कि हम लोग क्लास में अगर थोड़ा सा भी गलती से मुस्कुरा देते हैं तो बोलते हैं अरे क्यों हंस रही हो, क्या ज़रूरत है तुम्हें हंसने की, क्या यहाँ पर हंसने का वो जोक चल रहा है क्या? अब हम तुम्हारे स्कूल की बच्चियों ने कहा कि स्कूल में अनुशासन है और अनुशासित रहना गलत है क्या? अगर कोई गलत कर रहा है तो उसको डांटना गलत है क्या? उसके माता पिता से कंप्लेन करना गलत है क्या? अगर कोई अच्छा करता है तो उसको पुरस्कृत भी किया जाता है, माता पिता के सामने बुला के सम्मान भी किया जाता है, तो डांटा गया तो क्या गलत? डांटा गया मतलब श्रेया को ऐसा नहीं करना चाहिए था, उनके कहने का ये मतलब? हम भी जानते हैं कि श्रेया को ऐसा नहीं करना चाहिए था, अब कोई भी लड़की हो अगर उसको ऐसे टॉर्चर किया जाएगा तो वो क्या करेगी? अगर वो जिंदा रहती ना इस समय तो आई डोंट थिंक कि उसके सपोर्ट में कोई रहता ज़्यादा। इस तरह जो इस समय एकता बनी है, जैसा मैं देख रही हूँ कुछ लोग आते हैं, फिर कुछ लोग हाथ बढ़ा के भी अपना छुड़ा लेते हैं, पीछे हट जाते हैं। हम लोग की क्लास से भी बहुत लोग थी साथ में, लेकिन वो लोग एक दिन स्कूल गए, फिर उसके बाद मेरा नंबर भी ब्लॉक कर दिया कि नहीं अब मैं साथ नहीं दे पाऊँगी।
कुछ भी, श्रेया की फ्रेंड हो ना। हाँ, तो देखा आपने, हमने बातचीत किया श्रेया की एक फ्रेंड से, जिसने सारी दास्तान बताई कि कैसे क्या हुआ था उस दिन, और उसके बाद सारा आजमगढ़, सारा उत्तर प्रदेश, सारा देश जानता है कि श्रेया के साथ क्या हुआ। श्रेया आज हमारे बीच में नहीं है, और तमाम जो इस मामले में जो तमाम नए नए मामले भी जुड़ते जा रहे हैं, उससे भी हम आपको लगातार अपडेट कराते रहेंगे।